नमस्कार, मैं अनिल सकरवाल और आज हमें गवर्नमेंट स्कूल देवदा बांसवाड़ा जहाँ मेरी वर्तमान में पोस्टिंग है फिजिक्स लेक्चर की पोस्ट में, यहाँ फिजिक्स की लैब में हैं हम। और आज हम आगे प्रयोग करेंगे, कुछ प्रयोग हम पहले कर चुके हैं जिनकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। मीटर्स ब्रिज का प्रयोग करेंगे हम, इसमें भी एक प्रैक्टिकल तो हम अपलोड कर चुके हैं पूरा, इसका सर्किट वर्क कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं और किस तरह से प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। आज हम इसमें सोल्व करेंगे कि दो तार अगर हमें दे दी जाए तो उनके लिए श्रेणीक्रम संयोजन का सत्यापन कैसे करेंगे, फिर करेंगे समांतर क्रम संयोजन, अलग अलग बात करेंगे दोनों की। पहले हम श्रेणीक्रम संयोजन का सत्यापन करेंगे। तो हमारा आज का जो उद्देश्य है वो है मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तारों का श्रेणीक्रम संयोजन का सत्यापन करना, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। इसके लिए हम पहले सर्किट की बात कर लेते हैं। वैसे हमने पहले एक वीडियो इस पर अपलोड कर रखा है, उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी, आपको पूरा सा क्लियर हो जाएगा। और सभी क्योंकि तीन प्रैक्टिकल है इसके, श्रेणीक्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और प्रतिरोध ज्ञात करना, तीनों में काम आएगा। पहले हम इसके सर्किट की थोड़ा सा रफली बात कर लेते हैं। यहाँ ये मीटर सेतु है, लकड़ी का बोर्ड होता है यहाँ, इसके अंदर एक मीटर स्केल लगा रहता है जिसके ऊपर एक वायर लगी रहती है, ये दिख रही होगी वायर, एक मीटर लंबाई है, 100 सेंटीमीटर में रहता है, इस पर पैमाना लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। अभी यहाँ से एक आप एक कनेक्शन यहाँ से करेंगे वायर को, और इसमें हमें बैटरी लगानी है इसको करंट देने के लिए, तो यहाँ की लगा देंगे इसको, जब ज़रूरत हो तब ऑन करें वरना ऑफ रखें। और इसको आगे बैटरी से जोड़ा गया, बैटरी में हमने ये निको सेल यूज़ किया 1.5 वोल्ट के, 3 वोल्ट बैटरी का विद्युत वाहक बल है। और इसका दूसरा जो सिरा है वो यहाँ से इसके साथ यहाँ जोड़ देते हैं इस सिरे के साथ, तो ये एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके जो दो ये टर्मिनल है इनके साथ जोड़ देते हैं प्रतिरोध बॉक्स, एक का कॉर्नर इससे, दूसरे का कॉर्नर यहाँ। और फिर ये जो बीच में एक टर्मिनल रहता है इसका कनेक्शन करते हैं धारामापी से, यहाँ से करंट धारामापी में जाता है और धारामापी से फिर इसमें आता है जोकी में, और जोकी को हम तार पे गति करवाते हैं, गति करवाते हैं तो हमें विक्षेप इसके अंदर दिखाई देता है। अब हमें जिस तार का प्रतिरोध निकालना है, जिन तारों को श्रेणीक्रम में संयोजित करना है, उन तारों के टुकड़े हम ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिए दो टुकड़े तारों के, और अब हम बात कर लेते हैं ये दो टुकड़े हैं अपने पास, इनको श्रेणीक्रम में संयोजन का सत्यापन करने के लिए पहले अलग से इसका प्रतिरोध निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, फिर हमें पता है श्रेणीक्रम में नॉर्मली क्या होता है कि R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, तीन प्रतिरोधों के लिए जब हम सोल्व करते हैं तो ऐसे लेते हैं कि उनके जो प्रतिरोध है वो जुड़ जाते हैं डायरेक्ट। तो हमें थ्योरी में तो पता है लेकिन हम प्रैक्टिकली इस बात को प्रूफ करेंगे कि इनके जो प्रतिरोध है वो जुड़ जाते हैं श्रेणीक्रम में। तो पहले तो हम इनको अलग अलग कनेक्ट करेंगे, जब हम एक तार जोड़ रहे हैं तो दूसरी तार का हमें यूज़ नहीं करना है, उसको हम रख देंगे साइड में, एक तार इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम लगा देंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो कैलकुलेशन करनी है वो हम करेंगे। तो पहले तो मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, इस तरह से जोड़ दें, ये एक तार लग गई है। अब हम इसकी रीडिंग लेने से पहले इसकी सारणी देख लेते हैं, सारणी में क्या है। हमारा जो उद्देश्य है वो मैंने इस पे लिख दिया है ताकि समय बच जाए थोड़ा सा अपना, कि मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तारों के श्रेणीक्रम संयोजन का सत्यापन करना, ये ऐसे फाइल में लिखना होता है। फाइल में कैसे लिखना उसकी बात हम कर चुके हैं, एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें बताया था कि फाइल पे कैसे लिखना होता है, तो उसको आप देख लें, यहाँ हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके लिए। मेरा उद्देश्य है फिर उपकरण लिखते हैं, मैंने लिखे नहीं है, आपको लिख लेने हैं, सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है वो लिखना है इसके बारे में। जब हम टेबल बनाते हैं तो आप कोशिश करो इसमें बुक में जो टेबल है वो क्या रहती है, एक ही टेबल रहती है, उसी के अंदर सारा मिक्स कर देते हैं, S1 तार S2 तार, आप थोड़ा अलग अलग बना लें, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन ये जो फाइल है थोड़ी सी अच्छी बनेगी और देखने में सब चीज़ें क्लियर अलग अलग समझ में आ जाएंगी। तो आप जब S1 तार की सारणी बनाए, जब आप S1 तार के लिए सारणी बनाएं तो देखो अलग बना लें, S1 लिख दें, S1 तार के लिए सारणी, क्रम संख्या, प्रतिरोध बुक से लिया गया प्रतिरोध, ये प्रैक्टिकल बुक में अपने पास लिखा रहता है, वहाँ से आप देख के लिख लें सही तरीके से, R तार पर संतुलित लंबाई L,
फिर सो माइनस एल, फिर सूत्र है सो माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, और फिर इसका मीन निकालना है माध्य, वो निकाल लेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है छः रीडिंग नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे पास तार के दो टुकड़े हैं, हम इनको तीन तरह से लगाएंगे, एक अकेली एस वन को लगाएंगे, फिर दूसरे तार को लगाएंगे, फिर दोनों को जोड़ के श्रेणी क्रम में फिर लगाएंगे। इसलिए प्रत्येक भाग में आपको दो ही रीडिंग लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है, लेनी ज़्यादा नहीं लेनी है, वरना बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी। और हम बोर्ड के अनुसार बात करें तो बोर्ड यही कहता है कि आपको इनके दो ही रीडिंग लेके कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ बात रही प्रतिरोध की, तो आप कितना भी ले सकते हैं, दो ओम चार ओम ले सकते हैं, एक ओम दो ओम ले सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल रहे, वैसा जैसे ऑपरेटर से रीडिंग देते हैं उसी के अनुसार आप ले लें, उसका कोई इशू नहीं है कि कुछ कहें कि भी अपने एक ओम से ही शुरू करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर एस वन एस टू, देखो कौन सी है एस वन एस टू, एस वन एस टू, एस वन एस टू क्या है, आप इनमें से दो टुकड़े अपने पास, किसी को जिसको पहले लगा दिया उसको एस वन कहते, लेकिन ध्यान रखिए ये एस वन, जब दूसरे का लगा रहे हैं तो इसको हटा के साइड में रख देंगे, फिर हम इसको लगा देंगे, इसको एस टू कह देंगे। तो एस वन एस टू अलग नहीं है, इन तारों को नाम दे दिया कि इसका प्रतिरोध मान लिया एस वन है, इसका प्रतिरोध मान लिया एस टू है। जब यहाँ से माध्य निकालेंगे तो एस वन का मान आया, यहाँ से माध्य निकालेंगे जब एस टू का मान आया। अब देखो दूसरी तार जब लगाएंगे तो ये हटा देंगे और दूसरी लगा देंगे, तब फिर उसके लिए अलग सारणी बना लो, ये मैंने लिखा नहीं है, पूरा लिख लें आप अलग से, तो एक पेज पे दो सारणी बढ़ा लें, इस सारणी को अगले पेज पर ले जाए। फिर एस वन एस टू श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, फिर वही आर एल सो माइनस एल और एस इज इक्वल टू सो माइनस एल अपॉन एल इंटू आर और माध्य, ये इतना काम हमें इसमें करना है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप अब बात करेंगे कैसे करना है। सबसे पहले हम लेते हैं एस वन तार के लिए जो मैंने लगा दिए हैं, और सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि इसके अंदर जो विक्षेप है वो दोनों तरफ आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, सर्किट में कहीं ना कहीं गलती होगी। जो गलती किस प्रकार से हो सकती है उसके लिए भी पहले जो वीडियो बनाया था मीटर बेस का, उसके अंदर पूरी हमने चर्चा की थी 20-22 मिनट तक आराम से, तो उसके अंदर आप देख लें किस प्रकार से नॉर्मली या तो यहाँ दिक्कत रहती है इसके अंदर, ये जो जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके अंदर हो सकता है सफाई नहीं हो, थोड़ा सा जंग वगैरह लगा हो, या कनेक्शन सही नहीं है, पहले तो कनेक्शन चेक कर लें, कोशिश करें रेगमाल से घिसके ही लगाएं, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो नहीं होगी, अदरवाइज वायर की लंबाई का इफेक्ट रहता है इसके अंदर, ये भी आप चेंज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आप इस कॉर्नर पर लगाएंगे एक तरफ तो इसकी जो रीडर है एक तरफ टच करेगी, किसी भी तरफ जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं इसमें इधर जा रही है तो इधर ही जाए, इधर भी जा सकती है, ठीक है, इस तरफ दिखाई दे रही है। जब आप दूसरी तरफ टच करवाएंगे इसको तो इसका जो वैल्यू है, इसकी जो नीडल है वो दूसरी तरफ टच करें, ये दिखाई दे रही है हमें दूसरी तरफ टच करते हुए, दिखाई दे रही है इसी वे में। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहली रीडिंग लेंगे, पहली रीडिंग क्रम संख्या एक इस तार के लिए। अब आपको प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध निकालने की बात हम पहले कर चुके हैं, फिर भी आप देख लें जितने ओम का प्रतिरोध चाहिए वो कुंजी आप यहाँ से निकाल लें। जैसे मैं निकाल रहा हूँ एक ओम का, तो हमने एक ओम वाली की निकाल दी, इसके अंदर सीरीज में लगे रहते हैं नीचे वायरिंग, जो कॉपर वायरिंग होती है, तो अगर आप जब दो का निकाल दोगे तो अब यहाँ दो ओम नहीं है, प्रतिरोध हो गया एक और दो तीन ओम। अगर आपको दो का अकेला ही निकालना था तो आपको एक का बंद करना पड़ेगा, तो फिर अब ये दो ओम का प्रतिरोध निकल रहा है, बस ये कॉमन सी बात है, जितने निकाले उतने जुड़ जाएंगे। तो हमने जैसे मान लो एक ओम का निकालना है तो एक ओम को निकाल लिया, ध्यान रखें इनको थोड़ा सा टाइट करते हैं आप प्रयोग करने से पहले, कहीं कोई लूज होगी तो वो हमें देखने से तो लगेगी कि लगी हुई है, लेकिन रियल में क्या है वो करेक्ट नहीं हो रही। तो यहाँ एक ओम का, तो यहाँ लिख दिया मैंने क्या इसका मान एक ओम। अब आप इसमें वायर में चलेंगे और देखेंगे इसके अंदर कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये जो नीडल है वो हमें मूव करते हुए दिखाई देने लग जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जहाँ इसका विक्षेप जो है वो क्या देगा, जीरो आ जाएगा। जैसे ये अब देखो यहाँ अब ये मूव करना शुरू कर गई है लगभग इसके आसपास, तो हमें वहाँ जहाँ जीरो आए वहाँ हमें इसको रोक देना है, ये आ गया जीरो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस स्थिति में धारा मापी में जाने वाले धारा जो है करंट की वैल्यू जीरो है, करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस समय, ये जो ब्रिज है ये संतुलन की अवस्था में है, ठीक है, संतुलन की अवस्था में। अब इसमें नोट कर ले, हम उधर से आए हैं ना, उधर से आए हैं तो इधर देखे मान कितना है, ऊपर वाला मान इसके अंदर पढ़ लेंगे, जो बढ़ते हुए मान है वो पढ़ लेंगे, तो वो लगभग 72.5 आ रहा है,
तो आप इसको 72.5 लिखेंगे। एक बात आप ध्यान रखिए, भी बिल्कुल कई बार कन्फ्यूजन रहती है कुछ बच्चों को कि इसका मान ज़्यादा आ रहा है तो क्या ये गलत है। गलत नहीं है, रिजल्ट इसके सही रहेंगे। इस हमने जो ऑपरेटर्स कनेक्ट किया है जिसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो मान है वो सही है, क्योंकि अगर हमारी जगह कोई और भी करेगा तो भी उसके रिजल्ट यही आएंगे, कोई अलग नहीं होने वाला है। हाँ, अगर इसके मान हमें कम करने हैं कि हमें लग रहा है 72.5 ज़्यादा आ रहा है, अब दो अंक निकालेंगे तो और 80 से भी ऊपर पहुंच जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका मान थोड़ा सा मिड में रहे, जिसको अच्छा माना जाता है, एक्यूरेसी से माना जाता है, तो आप इसकी लाइन जो लेंथ है वो बढ़ा दें तो मान आ जाएगा फिर से। बाकी अगर ऐसा आता है तो भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट टाइम की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट टाइम के ऑपरेटर सेटअप के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल दे रही है, एक्चुअल हम लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू सही है, गलत नहीं मानी जाएगी इसको। अब हम क्या करेंगे, दो ओम का प्रतिरोध लगा देंगे, तो उसके लिए एक ओम का लगा देंगे, दो का निकाल देंगे, ये हो गया दो, तो यहाँ लिख देंगे दो। अब देखो पहले की कैलकुलेशन क्या करनी है, 72.5 है तो इसको क्या करो, 100 में से घटा दो, कितना आ जाएगा 27.5 आ जाएगा ये सेंटीमीटर। अब देखो इस फॉर्मूले में मान रखना है अपने को, उसके लिए हमें व्हाइट पेज पे कैलकुलेशन करनी है, वहाँ लिखना है प्रथम परीक्षण के लिए R बराबर 1 ओम, L बराबर 72.5, सो मान से L बराबर 27.5, और फिर लिखना है वी नो दैट S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इनटू R, और ये सारी वैल्यू पुट करके वही कैलकुलेशन करनी है। जो आंसर आए वो आंसर आपको यहाँ लिखना है, जो भी है जितना भी है, क्लियर। फिर अपने क्या करेंगे, दूसरी रीडिंग लेंगे, दूसरी रीडिंग ले लेता हूँ मैं। अब देखो हमें पता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, तो हमने प्रतिरोध बढ़ा दिया तो लंबाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप चाहो तो वहीं से आ सकते हो वापस घिसते हुए, तार पे ध्यान रखना ज़्यादा दबाव देके नहीं घिसना है, आराम से, तो इतना ही टच करते ही इसके अंदर विक्षेप आ जाएगा। तो आप इस पे जितने भी मान आया था डेफिनेटली उससे आगे ही जाएगा। देखो हमने 72.5 पे आया था, 72.5 पे 0 ही आ रहा है अभी, और जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इसका मान आ गया। ये मान देखो इसका काफ़ी पहुंच गए हैं, लगभग ये मान आ रहा है इसका 94.5 पे आ रहा है इसका मान 0। तो अगर ऐसे में ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो आप वायर की जो लंबाई है वो बढ़ा दें। अभी तो मैं इसके लिए लिख रहा हूँ 94.5 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको घटा दें, माइनस कर दें और उत्तर निकाल के यहाँ लिख दें। अब क्या होगा, माध्य निकालना है, तो जहाँ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वहीं पर आपने पहली रीडिंग के लिए सोल्व कर लिया, फिर दूसरी के लिए सोल्व कर लिया, आप लिख दो माध्यम एस वन तार के लिए माध्यम। माध्यम कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के दो का भाग दे दोगे, वो आ जाएगा माध्यम। वो मान सिंगल मान लिखना है यहाँ, अलग अलग नहीं, दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है यहाँ। ये हो गया फर्स्ट वायर का कंप्लीट। कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन सिंपल है, गुणा भाग ही करने हैं, हम इजी वे में कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमें प्रैक्टिकल करना कैसे और कैसे ध्यान रखना है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये तार खोल देनी है क्योंकि एक तार का काम हो गया कंप्लीट। अब हम लगा देंगे दूसरी तार, तो दूसरी तार के लिए भी हम देख लेते हैं इसमें यूज करके। तार का टुकड़ा मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, वरना रीडिंग वही आएगी कम। ये ले लेता हूँ इतना, ये टुकड़ा मैंने तार का ले लिया, एस टू तार का टुकड़ा ले लिया है, एस वन को हमने खोल के यहाँ रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर वही एक ओम दो ओम पे रीडिंग ले लो, आप अलग पे भी ले सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ एक ओम दो ओम यूज किया तो यहाँ भी एक ओम दो ओम यूज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, फिर भी हम सिमिलरिटी के लिए उसी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। एक ओम के लिए सोल्व करें तो इसकी हम वो स्थिति देखेंगे, इधर से चलेंगे और मान प्राप्त करेंगे। ये इसका तो मान है वो लगभग आ गया है यहाँ, यहाँ इसका मान आ रहा है लगभग 62.7 पे आ रहा है, 63 से थोड़ा सा पहले है, तो हम इसका मान लेंगे लगभग एक ओम पे निकाला है 62.7 है। इसको 100 में से घटा देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे आप, ठीक है, वो गुणा हम भाग नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दो ओम का प्रतिरोध निकाल लेंगे यहाँ से,
और फिर हमें पता प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, डेफिनेटली लंबाई से ज़्यादा आएगी, अगर कम आ रही है तो फिर आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट हो सकता है, लूज रह गया हो, कोई गड़बड़ हो गई हो, तो वो आप देख लें। अगर कम आ रहा है तो फिर आप उसको न लिखें, उसको पहले सही करें, रीडिंग प्रैक्टिकल जब सही रीडिंग दे तभी लिखें। अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के यहाँ आ गए 69 के समथिंग, ये 69 के समथिंग है, लगभग 69 और 70 के बीच में, बिल्कुल आप ज़ीरो पे देख लें, कोशिश करें एग्जैक्ट ज़ीरो पे रहे, थोड़ा माइनर इधर उधर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लगभग ज़ीरो पे रहना चाहिए। लेंस का यूज़ कर लें, मैग्नीफाइंग लेंस का देखने के लिए दिक्कत रहे तो ये लगभग इसका मान आ रहा है, यहाँ से देखें तो 70 से थोड़ा सा कम है, यानी 69 पॉइंट समथिंग है, 69.8 लिख देता हूँ इसको, 69.8 कितने ओम पे लिया ये हमने, 2 ओम पे लिए। अब 100 में से घटा के लिख दें, थोड़ा बात कर लेंगे, यहाँ से इसका मान आ गया, एस टू का मान आ गया यहाँ, एस टू का मान। अब सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं हम कि इनको श्रेणीकरण में कैसे जोड़ना है। एक दो बातें आप इसमें ध्यान रखें कि यहाँ देखें, जब हम जोड़ते हैं तो क्या हमारे पास कोई सोल्डरिंग आयरन नहीं है, हम क्या करते हैं इसको सीधा इसको लपेट देते हैं, पेज खोल के लपेट देते हैं सीधा, पेज खोल के ये यूज करके और सीधा यहाँ से ऐसे लपेट देते हैं। तो जब लपेटते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से लपेटा तो ये इतनी वो जो वायर है वो एक्स्ट्रा साइड में रह गई थी, तो रियल में जितनी लेंथ इसकी थी उतनी लेंथ यूज़ नहीं हुई, उससे कम यूज़ हुई है। इसी तरह इधर भी जो कुछ पार्ट बच रहे हैं, जब हम अब इसको अपने को जोड़ना है कौन से क्रम में, श्रेणीकरण में। अब कैसे जोड़ना है, श्रेणीकरण में होता है आगे से आगे जोड़ना, पूरी लंबाई एक साथ कर देना। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक का अगला कॉर्नर दूसरे के पहले कॉर्नर से जोड़ देंगे, यानी एक तो हम कह दें कि एक तो हमने यहाँ जोड़ ही रखा है एक वायर, वायर का एक कॉर्नर, तो इस सिरे पे हमने जोड़ रखा है। हम क्या कर देते हैं कभी कभी, जैसे मैंने इसको ये ले ली तो दो राउंड लगाते हैं, दो राउंड लगा दिए तो रियल में तो वायर क्या लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। तो एग्जैक्ट में 100% सेम वैल्यू नहीं मिलती है इसके अंदर, कभी भी मिलेगी भी नहीं कभी भी, यानी रियल में तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, सॉल्यूशन के बाद आएंगे, मान तो इसका मान आया 1.2, इसका मान आया 1.3 ओम, लेकिन रियल में अब हम थ्योरी से देखें तो हमें पता है कि R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, तो 1.2 प्लस 1.3, तो रियल में तो जब इसका उत्तर आए तो 1.5 आना चाहिए वास्तविकता में, तो इसका उत्तर 1.5 आना चाहिए, लेकिन मान 1.5 नहीं आता है, इसके आसपास का मान आता है, तो हम उस आसपास के मान को भी सही मानते हैं और परिणाम में क्या लिखते हैं उसकी बात करेंगे अभी। तो अब इसको जोड़ना कैसे, ये ध्यान रखें, ये एक वायर है, इस एक वायर का अगला सिरा मेरे पास ये रहा और ये दूसरा वायर है जो अलग से है, दिखाई दे रही है। अब आप क्या करोगे, अब अपने पास कोई सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप इसको इस तरह से लपेट दे थोड़ा सा कि ये हिले नहीं और एक दूसरे के टच में रहे, ताकि करंट इससे होता हुआ आगे वाड़ी में चला जाए। ये मैंने इसको लपेट दिया, अब देखो ध्यान से देखें तो इसको लपेटा कैसे है, देखो ये इधर का कॉर्नर निकल रहा है, इधर का कॉर्नर निकल रहा है, इतनी लंबी वायर को लपेट दिया मैंने सुविधा के लिए कि हिले नहीं बार बार खुलने रहे, तो अब इतनी वायर इसके ऊपर आ गई, ये वाली वायर इसके ऊपर आ गई, तो रियल में इसे डबल वायर का लॉस हो गया। शोल्डरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर शोल्डरिंग करते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, इतनी लेंथ क्या हो गई, इफेक्ट कर गई यहाँ, एक्स्ट्रा आ गई इतनी लेंथ जो है इसके अंदर, तो वो क्या करेगी, वो रिजल्ट पे प्रभाव डालेगी, तो रिजल्ट जो है जो एक्चुअल में जितना आना चाहिए उससे थोड़ा सा परिवर्तित रिजल्ट आएगा। तो वो परिवर्तित रिजल्ट के बारे में हम क्या लिखेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो प्रायोगिक सीमा में है। प्रायोगिक सीमा का मतलब है कि प्रयोग करते समय जो हमने जो कार्य किए हैं उस हिसाब से इतनी गलती होना, गलती तो नहीं है ये, लेकिन इतना परिवर्तन आना संभव है, इतना परिवर्तन आएगा, संभव है आएगा, इसलिए ये प्रयोग जो है वो श्रेणीक्रम नियमों का सत्यापन करता है। जैसे हमने इन दोनों को लिखेंगे सैद्धांतिक मान, तो सैद्धांतिक मान मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू, जो हमने फॉर्मूला से लिए वो थ्योरेटिकल वैल्यू, वो आ गई 2.5 आ गई, 2.5 आ गया, 1.3 प्लस 1.2, 2.5 आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू क्या आएगी, प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी जो अब इस टेबल से आएगी, वो आएगी प्रैक्टिकल वैल्यू। तो ये भी ध्यान रखना है कि थ्योरेटिकल वैल्यू क्या और प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो देखो पहला कॉर्नर इधर जोड़ दिया था, इसको जोड़ दिया यहाँ, सीरीज में हो गया, सीरीज में होने के बाद तार की लंबाई देखो कितनी हो गई। अब हम इसको जोड़ देंगे
का अगले कॉर्नर, इस तरह से जोड़ें कि ये लूज नहीं रहे, पेज थोड़ा सा देख लें, टाइट कर दें और मान आपने सही आने चाहिए। तो यहाँ से एक तरफ करेंगे तो चेक कर लें एक बार, इस तरफ निडल जा रही है, दूसरी तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ निडल जा रही है। अब हम रीडिंग देखेंगे इसकी, इधर से चलना प्रारंभ करेंगे, इधर से प्रतिरोध बॉक्स लगा है और जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे हमें जीरो विक्षेप जो है वो प्राप्त हो जाएगा। हमें जीरो विक्षेप प्राप्त हो गया, ये यहाँ कितने पे ये प्राप्त हुआ, लगभग 64 के आसपास आया है। ठीक है, तो यहाँ लंबाई आ गई 64.1 सेंटीमीटर, कितने ओम पे, एक ओम पे, सॉरी दो ओम पर है, ये दो ओम की रीडिंग है, दो ओम में लिख देता हूँ मैं, दो ओम पे 64.1 सेंटीमीटर। एक ओम पे अब ले लेते हैं, ये एक ओम का निकाल दिया प्रतिरोध, तो हम एक ओम पे ले लेंगे, प्रतिरोध कम है तो लंबाई कम आएगी, इससे कम मान आएगा, इसको भी हम लेके देख लेते हैं। तो ये मान आ गया यहाँ लगभग 56 के समथिंग, तो 56 यहाँ ले लेता हूँ मैं 56 सेंटीमीटर, कितने ओम पे, एक ओम पे। अब एक बात आप इसको देखो, एक बात इसमें क्या पता चल रही है कि जो एक तार के लिए रीडिंग आई थी वो देखो 72 और 794 के समथिंग है, दूसरी तार के लिए तो 62 और 69 के समथिंग है। अब इनके लिए ले रहे हैं तो देखो और भी कम आ रही है, रीडिंग 56 आ रही है, किसके लिए, एक ओम के लिए, दो ओम के लिए 64 आ रही है, तो जो कम से कम रीडिंग थी उससे भी कम आएगी इसकी रीडिंग, ये बात आप ध्यान रखिए। जो कम थी, सबसे छोटी रीडिंग थी एक ओम की, सबसे छोटी रीडिंग इनमें 62 है, उससे भी कम आएगी इसकी रीडिंग 56 आ रही है। और दो ओम के लिए जो ऊपर वाले दोनों में अलग अलग जब लगाया तो सबसे कम रीडिंग कौन सी थी, 69, उससे भी कम आनी चाहिए, वही आएगी दो ओम पे, कितना 64। तो आप रीडिंग से देख के भी बता सकते, सोच पता कर सकते हैं पहले कि हम जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जा रहे हैं प्रैक्टिकल सही तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, गलत तो नहीं हो रहा है। तो रीडिंग भी हमें बता देती है एक्चुअल में, अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो, समझ में आ गई होगी ये बात। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, एक ओम की बजाय दो ओम की रीडिंग ज़्यादा आएगी। जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो एक ओम की जो न्यूनतम रीडिंग है दोनों में से, उससे भी कम रीडिंग आएगी, और दो ओम के लिए जब ले रहे हैं तो दो ओम वाली में जो न्यूनतम रीडिंग है उससे भी कम आएगी। अब आप इसको 100 में से घटा के लिख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ से आंसर आ गया, यहाँ से आंसर आ गया मान लो 2.1 या 2.2 ओम या आ गया। तब आपको दो बातें लिखनी है, अब आप इधर देख लें, दो बातें लिखनी है, एक लिखना आपको सैद्धांतिक मान, एक लिखना आपको प्रायोगिक मान। तो आपको लिखना है S1 व S2 के लिए सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आएगी, सैद्धांतिक मान S इज इक्वल टू आएगा S1 प्लस S2, तो क्या आ गया 1.2। हमने एज्यूम किया है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, एज्यूम किया है तो ये आ गया 2.5 ओम। ठीक है, अब इससे जब हमने सोल्व किया और माध्य निकाला तो उत्तर आ गया 2.2 ओम, मान लो, मान लेते हैं 2.2। तो प्रायोगिक मान क्या आया, प्रायोगिक मान की सारणी से, सारणी नंबर 3 में जो आंसर आएगा वही होगा प्रायोगिक मान, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या थी इसकी 2.2 ओम। अब देखो थ्योरी के अनुसार जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मान आना चाहिए 2.5, लेकिन जब प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो आ रहा है 2.2। ठीक है, तो आप इसके लिए एक सारणी और बनाएंगे जिसे कहते हैं अंतर सारणी, अंतर सारणी, चौथी सारणी बनेगी रिजल्ट में, उसको कहते हैं अंतर सारणी। उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको दो तीन बातें लिखनी है। सबसे पहले तो संयोजन कैसा लिया था हमने, कैसा लिया है श्रेणीकरण संयोजन, दूसरा फिर इसमें सैद्धांतिक मान क्या आया हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू 2.5, फिर प्रैक्टिकली वैल्यू क्या आई है हमारी 2.1 ओम, और फिर अंतर क्या आया 2.2 मान लेते हैं, 2.2 मान लो, कुछ ही मान लो, 2.5 से 2.2 गया तो कितना है 0.3 ओम। तो अब हमें क्या लिखना है निष्कर्ष में, रिजल्ट में क्या लिखना है, रिजल्ट में हमें लिखना है कि प्रयोग के द्वारा प्राप्त प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मानों में अंतर अल्प है, अल्प अंतर है, थोड़ा अंतर आ रहा है,
यह अंतर प्रायोगिक सीमा में है। प्रायोगिक सीमा का मतलब है प्रयोग करते समय जैसे हमने किया है इतना अंतर आ सकता है, अतः श्रेणीक्रम नियमों का सत्यापन होता है। तो परिणाम में इसमें कोई मान नहीं लिखना है, किसी भी सारणी का मान नहीं लिखना है इसके अंदर। परिणाम में हमें ये सिद्ध करना था श्रेणीक्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन, प्रूफ करना था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन लॉज हैं वो प्रूफ होते हैं यहाँ कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को फॉलो करता है ये एक्सपेरिमेंट। तो वो हमने प्रूफ कर दिया कि थोड़ा बहुत उसके लिए आपको डिफरेंस टेबल बनानी है जिसमें आपको कॉम्बिनेशन लिखना है, सीरीज है, और आपको थियोरेटिकल वैल्यू लिखनी है, फिर प्रैक्टिकल वैल्यू लिखनी है, फिर डिफरेंस ऑफ बोथ प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल वैल्यू वो लिखनी है। अब आपको क्या लिखना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो डिफरेंस आया है वो प्रायोगिक सीमा में है, इन प्रैक्टिकल लिमिट, ऐसा इतना परिवर्तन आ सकता है, अतः श्रेणीक्रम नियमों का सत्यापन इस प्रयोग के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम श्रेणीक्रम संयोजन के सत्यापन कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने आपको नहीं करके दिखाई है क्योंकि गुणाकार में कर सकते हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो वो आप खुद कर लें। ये तरीका आपको ये करना है, सर्किट का आपको ध्यान रखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फिर हम इसका समांतर क्रम संयोजन का और प्रैक्टिकल जो वीडियो है वो शूट करके डालेंगे, तो आप इनको देख लें। सारे जो प्रैक्टिकल है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल की लिस्ट बनी हुई है जो प्रैक्टिकल्स नाम से हैं इसी चैनल पे। प्रैक्टिकल्स में जाओगे आप लिस्ट में तो उसके अंदर सारे प्रैक्टिकल आपको एक ही लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। कुछ प्रैक्टिकल अभी बाकी है रिकॉर्ड करने, वो भी उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे।